इनसो के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रभारी रहे रोहतास फोगाट और कई कॉलेजों के भी जो है वो रह चुके हैं, छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय रहे थे और अब जो है वो आम आदमी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के अंदर एक नई पारी की जो है वो शुरुआत करने के लिए अब रोहतास फोगाट जी हमारे साथ हैं। रोहतास जी, क्या मोटिव रहा आपका, क्या मन बना करके जो है वो आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए, क्या दिशा? नमस्कार राठी जी, मन केवल इतना है, आम आदमी पार्टी जो करती है और जो कहती है वो करके दिखाती है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं, उन्होंने चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, जो कहा वो करके दिखाया और इसी वजह से हम लोग गुजरात में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आए। 41 लाख वोटों के साथ हमने खाता खोला वहाँ पे, बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा मैंडेट गुजरात की जनता ने हमें दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी तरीके से हरियाणा की जो कड़ी है वो जुड़ने जा रही है। यहाँ पर बहुत आश्चर्यचकित करने वाले जो नतीजे हैं वो आगामी चुनावों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि मेरे जैसे जो युवा हैं, जो देश के लिए, जो प्रदेश के लिए और जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा संख्या में आकर जुड़ें और अपनी भागीदारी देश की तरक्की में सुनिश्चित करें। हरियाणा के अंदर हैं रोहतास जी, चाहे इनेलो की बात कर जाए, चाहे जेजेपी की बात कर जाए, चाहे कांग्रेस की बात कर जाए या फिर बीजेपी की बात कर जाए, जो मौजूदा सरकार सत्ता में, आखिर आम आदमी पार्टी में ही क्यों विश्वास आया आपका, क्या ऐसा खास चीज है? देखिए, ये ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इन लोगों ने संघर्ष किया है, इन लोगों ने जनता के जो असली मुद्दे हैं उन्हें उठाया है और उन्हें उठा करके उनके ऊपर काम किया है। तो जो केजरीवाल जी की जो सोच है, माननीय केजरीवाल जी की जो सोच है, वो इस बात को लेकर है कि आम आदमी को जो राजनीतिक जो दल हैं वो लास्ट एंड यूजर तक उनकी सुविधाओं का फ़ायदा कैसे पहुंच सके। तो इसलिए हमें इसने जो है प्रेरित किया, उनकी सोच ने प्रेरित किया और उनकी कार्यशैली ने प्रेरित किया। वो पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं और धरातल पर रहकर उन्होंने RTI एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम किया है। तो उन्होंने A से लेकर Z तक सारी चीज़ों को अपने लेवल पर देखा है, परखा है और तब वो राजनीति में आए हैं। और अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जवानों के लिए, किसानों के लिए और मातृशक्ति के लिए जितना वो सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई पार्टी सोचती। बिल्कुल, छात्र संघ की राजनीति आपने करी है, काफ़ी टाइम प्रेसिडेंट भी रहे, प्रभारी रहे, क्या लगता है आपको कि उससे कितना राजनीति में आने से मिलेगा और आगे भी है आपकी चुनाव के अंदर मैदान में उतरना है या कोई पर सेवा करनी है पार्टी की, वो क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय अनुराग ढांडा जी जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं आम आदमी पार्टी के, वो आज विधिवत रूप से मेरी ज्वाइनिंग कराएंगे। और अनुराग ढांडा जी बड़े ही मंजे हुए, सरल स्वभाव के और बातों के धनी आदमी हैं। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया और उनकी जो बातों से प्रेरणा लेकर और अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली को देख कर, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे जो युवा हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हों और अपने भागीदारी देश के लिए सुनिश्चित करें। क्योंकि इस पार्टी के अंदर एक हमने खास बात देखी है कि चाहे फिर किसी भी तबके का आदमी हो, उसको जो है वो उठा करके रंग से राजा जो है वो ये पार्टी बना देती है। अक्सर देखा है दिल्ली से उदाहरण है, हरियाणा के अंदर किस तरीके से देखते हैं इनकी राजनीति, क्योंकि हरियाणा की राजनीति काफ़ी अलग है दिल्ली की या पंजाब की बात करें। हरियाणा की राजनीति बिल्कुल अलग है, हर जगह के समीकरण अलग होते हैं, हर जगह का वोटर अलग होता है, हर जगह के वोटर की सोच अलग होती है। लेकिन अगर बात हम केवल हरियाणा की करें तो हरियाणा का जो युवा है वो पूरे तौर पर मन बना चुका है और बदलाव का मन बना चुका है और विकल्प के तौर पर उसको आम आदमी पार्टी के अलावा कोई विकल्प यहाँ पर नज़र नहीं आता, क्योंकि केवल अरविंद केजरीवाल जी धरातल पर रहकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो विपक्ष का जो पूरा काम है, जो कांग्रेस को करना चाहिए, वो काम भी अरविंद केजरीवाल पूरे जोश खरोश के साथ आज उठाते हुए नज़र आते हैं। चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर देखो, दिल्ली के स्तर पर देखो, पंजाब के स्तर पर देखो, हरियाणा के स्तर पर देखो, हर मोर्चे पर वो विपक्ष का पूरी तौर पर काम करते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए जो भारतवर्ष के, हरियाणा के जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से बदलाव का मन बना चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जी के साथ। तो ये रोहतास फोगाट हैं जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हो गए और लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कुनबा जो है वो हरियाणा के अंदर भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बढ़े हुए कुनबे से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा आने वाले चुनाव के अंदर मिल पाता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV।